प्रदेश सरकार की एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज मोहल्ला स्वाले नगर में एक विद्युत कैंप का आयोजन रोहित कुमार एसडीओ सबस्टेशन परसाखेड़ा के नेतृत्व में किया गया। आज के कैंप में एसडीओ रोहित कुमार, जेई नितिन कुमार, विजिलेंस जेई इंदर राज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस का लाभ लेने के लिए कैंप में उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीओ रोहित कुमार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की प्रत्येक समस्या का तत्काल समाधान करने का प्रयास रहा। वहीं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों के विद्युत मीटर भी बदलवाए गए। विद्युत बिलों से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद अलीम खान सुल्तानी द्वारा क्षेत्रीय जनता का सहयोग किया गया। इस अवसर पर रईस अली व कई समाज सेवी उपस्थित रहे। आज लगाए गए ओटीएस कैंप की जानकारी हमारे संवाददाता को देते हुए एसडीओ रोहित कुमार ने बताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं एसडीओ परसाखेड़ा विद्युत विभाग। आज यहाँ पर जो कैंप लगा है किस संबंध में लगा? एक कैंप हम लोग लगाए हैं जो विद्युत के बिल में ब्याज है उपभोक्ता का, वो ब्याज माफ़ी हेतु लगाए हैं कि जिनका बिल बकाया हो अपना आकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लें 30% पैसा जमा करा कर, और अपने जो भी बिल अमाउंट जो शेष बचता है उसको किस्तों में भी करा सकते हैं और फुल भी जमा कर सकते हैं। एसडीओ साहब, ओटीएस 2023 जिसमें 6 प्रकार की छूटें दी गई हैं, 6 प्रकार के लोगों को उसमें शामिल किया गया है, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको ओटीएस 6 में शामिल किया गया है? LMB 1 के हैं, LMB 2 के हैं, LMB 4 के हैं, LMB 6 के हैं, सभी कैटेगरी के ब्याज में माफ़ी है। थोड़ा इसमें विस्तार से बता दें कि LMB 1 में, 2 में, 3 में? जिसे LMB 1 में है जिनका 1 किलोवाट से नीचे का कनेक्शन, 1 किलोवाट है और 1 किलोवाट से नीचे का है, अगर पूर्ण भुगतान करते हैं तो उनको 100% ब्याज में माफ़ी मिलेगी, और यदि किस्तों में करते हैं तो 90% मिलेगी, और जिनका 1 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन है उनको ब्याज में 80% माफ़ी मिलेगी अगर पूर्ण भुगतान करते हैं तो, और किस्तों में 3 किस्त में करते हैं तो 80% मिलेगी और 6 किस्त करते हैं तो 70% ब्याज में माफ़ी मिलेगी। जो घरेलू कनेक्शन है वो 1 और 2 ही किलोवाट के ज़्यादा होते हैं जी जी, तो इनकी कितनी इंस्टॉलमेंट ओटीएस में की जा रही है? 1 किलोवाट का तो 12 किस्त है और 1 किलोवाट से ऊपर जिनका है उनका 3 किस्त और 6 किस्त हैं। आज जो आपने यहाँ कैंप लगाया है, अब तक कितने कंज्यूमर आपके पास आ चुके हैं जिन्होंने ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया? अभी तक तो 30 कंज्यूमर आ चुके हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कुछ लोग पूर्ण भुगतान भी किए हैं। तो ये काफ़ी लंबे समय से योजना चल रही है, जैसे सरकार की योजना है कि जो बड़े बकायेदार थे जिनकी आरसियाँ कट गई थी, इस तरह के कितने ऐसे केसेस हैं जो आपके अंडर में आते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन कि आरसियाँ वापस कराकर ओटीएस किया गया है? हाँ, ये चीज़ आपने सही पूछा है। इसमें जो लोग चोरी में जिनके FIR हो गई थी, सरकार पहली बार उनको भी ये छूट दिया है, उनको 60% माफ़ हो जाएगा पूरा बिल और 40% केवल जमा करके वो उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो कम से कम हमारे सब डिवीज़न में 170 कंज्यूमर ऐसे हैं जो पेमेंट कर चुके हैं आरसी वाले। अच्छा, एस जी साहब एक जानकारी और चाहेंगे, जिनकी आरसी कट गई, जिनके खिलाफ मुकदमा निकल गया और वो ओटीएस का लाभ ले रहे हैं, तो उस मुकदमे का क्या होगा? नहीं, मुकदमा अलग बिल है और जो इनका घर का बिल है वो अलग बिल है, दोनों अलग अलग बिल हैं। तो मुकदमा का पहले क्लियर करेंगे तो जाके घर का भी क्लियर कर सकते हैं, मुकदमा भी क्लियर, दोनों का लाभ ले सकते हैं। अच्छा, मुकदमा क्लियर करने के लिए क्या कंडीशंस हैं? वही मुकदमा में जैसे मान लीजिए किसी का बिल जो है 1 लाख है और तो 60 हज़ार छूट मिल जाएगी, 40% ही जमा करना है, 40,000 रुपये जमा करके उससे मुक्ति मिल सकती है, मुकदमा से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस योजना के बारे में? यही कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और जिनका ज़्यादा बिल बकाया अपना बिल किस्तों में जमा करें और जो भी ब्याज का लाभ मिल रहा है उसका लाभ लें। ये योजना पहली बार आई है, फिर दोबारा आएगी या नहीं आएगी कोई कहा नहीं जा सकता। आपका जो क्षेत्र है परसाखेड़ा सीलीगंज, तो परसाखेड़ा क्षेत्र में कितने लोग ओटीएस का लाभ पा चुके हैं? अभी तक 1700 से अधिक लोग ओटीएस का लाभ ले चुके हैं। क्या इस ओटीएस योजना में इंडस्ट्रियल एरिया के लोग भी आते हैं? इंडस्ट्री का बिल बहुत कम लोग आते हैं, इंडस्ट्री का तो रेगुलर पेमेंट होता है, किसी का ऐसा नहीं रहता बिल बकाया रहता है, जिनका रहता अगर आते हैं तो उनको भी हम लोग रजिस्ट्रेशन 2-4 कंज्यूमरों का किए हैं। क्या आपके नेतृत्व में कभी
विद्युत चोरी के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में भी अभियान चलाया जाता है? हाँ, हमेशा चलता है, उन लोगों का तो हमेशा अभियान चलता है, इंडस्ट्री में तो हमेशा चलता रहता है, मीटर चेकिंग होती रहती है।